सतना में भी अन्नदाता खाद के लिए रत जगा कर रहा है। खाद के लिए किसान परेशान है और आक्रोशित भी है। ऐसे में खाद के संकट और बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन खाद वितरण केंद्र में सुरक्षा बढ़ा दी है और पुलिस के सुरक्षा घेरे में किसानों को टोकन और खाद का वितरण किया जा रहा है। सतना में भी किसान खाद संकट से जूझ रहे हैं। भोर से ही कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। किसी को खाद मिल भी जाती है तो कुछ निराश होकर खाली हाथ ही रहते हैं। रबी फसल की बुवाई लेट हो रही है, ऐसे में किसान आक्रोशित भी है। आए दिन सड़क पर किसान उतर रहे हैं, ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर परेशान है। अब सतना जिला प्रशासन अन्नदाता के लिए खाद वितरण केंद्रों में पुलिस का पहरा लगा दिया है। पुलिस की मौजूदगी में टोकन और खाद का वितरण चल रहा है। जिला प्रशासन की माने तो जिले में खाद की रैक पहुंच चुकी है। किसानों की सहूलियत के लिए टोकन देने की व्यवस्था हर वितरण केंद्र में की गई है। किसानों को पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई है। ब्यूरो 24 के लिए सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। चार क्विंटल खाद तारीख का डबल देखो ऐसे 27-28 हो जाएगा तब 29 और 30 तारीख में जाएंगे, ठीक। बाकी जिनको टोकन नहीं चाहिए जो खड़े हैं निकल ले, और जो कृपया करके चले जाइए दूसरे को काम की बात करना, आप चले जाना भाई जो बात करना। पटवारा आपकी सोसाइटी की लिमिट नहीं होगी सर, तो ये समस्या होगी सोसाइटी की। सोसाइटी की लिमिट नहीं है तो दूसरी सोसाइटी से मिल जाती है। मैं किसान सही हूँ, मेरी सोसाइटी देश का अन्नदाता परेशान, ये माता चुप थोड़ी देर में जाके वो देखेंगे। ले अठा टोकन ले 28 तारीख का 5 बुरिया ले काफी। जिले में खाद में जो रैक है वो आ चुकी है। रैक आने के बाद में जो हमारे मार्कफेड से जो गोदामों से हम लोग वितरण करा रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने जो कृषि अभियांत्रिकी और जो शेरगंज में हमारा गोदाम है वहाँ से हमने टोकन आज पुलिस की उपस्थिति में बटवा दिए थे। और पुलिस की उपस्थिति में हम लोगों ने टोकन बटवा दिए। टोकन बटवाने के पश्चात में जो पर्चियाँ कटनी होती है, जो आधार इनेबल POS होता है उसके द्वारा पर्चियाँ भी कटना शुरू हुई हैं। कल काफ़ी संख्या में किसानों ने गोदाम से खाद प्राप्त की, आज भी वो लोग किसान इसी प्रक्रिया से पालन करते हुए खाद प्राप्त करेंगे। और भी कृषकों की व्यवस्थाओं के लिए हमने पानी के टैंकर भी वहाँ पर उपलब्ध करवाए थे और इसके अतिरिक्त भी हम लोग उनको और सहूलियतें देने के लिए आगे प्रयास करते हैं। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।